ओके, यहाँ से अगर हम गाड़ी लाते तो गाड़ी के टायर पंचर हो जाते और वो जो चौकी है वहाँ से फायरिंग होती है और काम तमाम। जिप लाइन भी लगी हुई है यहाँ से, अब हम इस वाली जिप लाइन से ओके शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं। बाकी बंदे आ रहे हैं, वो नीचे यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये आ चुका है बंदा, हेड शॉट। एक गन के आगे से ये जो मजल है ये भी वो होती है। ओके, तो हेलो गाइस, बस सब वहीं से स्टार्ट करते हैं पार्कर 6 का पार्ट 2। तो यहाँ पे ये पेंटिंग हो रही थी, ये बंदा यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है, तो इससे भी हम बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। पर ये फिलहाल लगा हुआ है अपने काम में। तो यहाँ पे पिछली बार हमने इस बंदे को वहाँ से आज़ाद कराया था, इसने हमें कुछ मिशन दिए थे, चौकी वगैरह हमने वो आज़ाद कराई थी। यहाँ पे खाना पक रहा है, ग्रिलिंग हो रही है, शिकार भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोई अगर जानवर मिला, मौली है शायद, नहीं ये मौली नहीं है, वो अल्कोहल की रखी हुई है। यहाँ पे किचन के अंदर भी लूट होती है, तो यहाँ से खाने पीने का सारा इंतज़ाम यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। ये बर्तन पड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे, और ये हाथ और बर्तन धोने के लिए, ये इतने से उसमें जंगल के अंदर, ये पानी का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे बोरियाँ रखी हुई हैं आटे की, 60-60 किलो की, और एक कौन सी कंपनी का आटा है, यारा यारा इनके शहर का नाम है, इसकी इनकी कंट्री का नाम है, और इनको यारंस कहते हैं जो इनकी कंट्री के हैं, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले लोग पाकिस्तानी, वैसे ये यारा के रहने वाले यारियंस। और आरोज कंपनी का ये आटा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे कोई आम या फल कुछ ऐसे रखा हुआ है, और ये पेटी के अंदर भी कुछ पड़ा हुआ है। अल्कोहल ये बहुत यूज़ करते हैं, पता नहीं इनको जंगल में ये सब चीज़ें आ कैसे रही हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे, शायद इस तरफ जाना है हमें शॉर्टकट। तो इसके साथ भी बात कर लेते हैं, इसके साथ बात नहीं करते। तो ये पेट हमारे साथ जाएगा जहाँ भी हम जाएंगे, तो ये नज़र रखे हुआ है इसने। उसके बाद ये जो गन है बहुत ही तगड़ी गन है, ये हम अभी चला नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में हम चला सकते हैं गाड़ियों के ऊपर जो लगी हुई होती है। यहाँ से शॉर्टकट तरीका है जाने का, इस तरफ जाना है कहीं पे, मैप के अंदर देख लेते हैं कितने दूर है, वो बिल्कुल ही किसी दूसरे कोने पे हमें जाना है। और यहाँ पे डू और डाई वाला मिशन है, रैंक 1 है हमारी, आई नीड यू टू स्टील अ थिंग फॉर मी। तो यहाँ से कुछ हमें स्टील करनी है चीज़, शॉर्टकट जा सकते हैं, लेकिन मैप के अंदर मुझे यहाँ पे घोड़ा नज़र आ रहा है, उसको टेम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बैठ के हम जाएंगे तो जल्दी जा सकते हैं। पता नहीं किसका घोड़ा है, लेकिन नो रोड टू फॉलो, यहाँ पे कोई रोड ही नहीं है, तो हमें यहाँ से पहाड़ों के ऊपर से जंप करते करते जाना पड़ेगा। Come on. ये ठीक से ऑर्डर मान भी नहीं रहा है, बतन किसका घोड़ा था हम ले आए हैं यहाँ से। और भी घोड़े हैं यहाँ पे, अब हमारे पास रोड आ चुके हैं। यहाँ पे मैप के ऊपर मैं निशान लगा सकता हूँ, तो लगा लेते हैं निशान। ये मैंने निशान यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, अभी ये मैप अपने आप खुलता जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे भी चौकी है उनकी, रेड एड हो गया मामला, तो यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी से पहले कि उनके पता चल जाए। फायरिंग तो करेंगे वैसे पीछे से, वो Shred your tires with goddamn road spikes.
See, we've been through enough of them in Esperanza. Clear the checkpoints, destroy the billboards, then watch Libertad rise from the ashes. ओके यहाँ से अगर हम गाड़ी लाते तो गाड़ी के टायर पंचर हो जाते और वो जो चौकी है वहाँ से फायरिंग होती और काम तमाम। और अच्छा किया वहाँ से घोड़ा हमने ले लिया और घोड़ा यहाँ पे पहाड़ी इलाके तो कहीं भी हम घोड़े के ऊपर सवारी करके जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के ऊपर मुश्किल है। यहाँ पे और भी व्हीकल्स हैं जैसा कि मतलब बाइक्स वगैरह और छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन घोड़ा जो है यहाँ पर वो ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये अब हमें बता रहे हैं कि यहाँ से घोड़ा जाएगा अंदर, तो जब हम वहाँ से घोड़ा ले रहे थे तब नहीं बताया, गेम थोड़ी लेट होगी लेकिन फिर भी हमने ले लिया। तो ये हमने जहाँ से मार्क किया हुआ है तो ये घोड़ा उधर चल के जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक जा रहा है। तो मैं पहले ऐसे ही बटन दबा रहा था, मुझे लगा कि मैं घोड़े को राइड कर रहा हूं। लेकिन ये घोड़ा जो ऑटोमेटिक जाता है यहाँ पे, इसमें भी थोड़े से फ्लॉज हैं, कहीं ना कहीं टकरा जाता है। यहाँ पे हम रुक के यहाँ से उतर जाते हैं। Juan, I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. See, I'm on my way. तो इस वाले टावर के ऊपर कुछ करना है, को बंद करना है वहां से, पर इसके ऊपर जाने के लिए वहां से रस्सी चाहिए, तो रस्सी मेरे पास है मेरे हाथ से। यहाँ से लूट बॉक्स मिल गया, जिप लाइन भी लगी हुई है यहाँ से। अब हम इस वाली जिप लाइन से ओके शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं। यहाँ से कोई मिशन रह तो नहीं गया, इस घोड़ा रह गया यहाँ पे, और नदी के पार जाना है यहाँ से। इनकी कोई बड़ी चौकी लग रही है, अपनी दूसरी गन उठा लेता हूँ। नहीं, ये वन शॉट गन जो है ये काम आई। यहाँ पे इनकी चौकी है, टेंट लगा हुआ है, छुप के जाना पड़ेगा, इसके अंदर बंदे हैं। Juan described you pretty well. से बात करनी है। My name is Raisa and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Raisa? Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Pardon, I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay, just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. ये तो वो हमारा पैड भी वहाँ से आ चुका है। तो ये उसने हमें इतना बताया था कि यहाँ से हमें कुछ स्टील करना है, लेकिन इस यहाँ पे आके हमें पता चला कि हमें यूरेनियम लेना है। तो यहाँ से भी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन मेरे पास आमो फुल है। यहाँ से बहुत सारी ले सकते थे लेकिन मैंने यूज़ ही नहीं की, क्योंकि उससे मैं आराम से गुजर के आ गया। वहाँ पे गोलियों की जरूरत पड़ती। यहाँ पे कोकोनट्स के बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, केले भी लगे हुए हैं। So now you're a traitor. Yeah, and I'm not the only one. There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What does he want from us? One, not to get his ass shot. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Right. No weapons. Pesos ready. Okay, हमें असला अंदर रख के यहाँ से क्या करना है कि सिर्फ इसके अंदर इसके साथ बात करनी है और इसको थोड़े से पैसे देने हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए अंदर रख लेते हैं।
फिर चल के उसके साथ बात करनी है, अगर उसने कोई होशियारी की। What can you tell me? Okay, check this out. Here's where you can find some weapons around here. I appreciate it. तो रिश्वत देनी पड़ेगी। Whatever you and Raisa are about to do, I don't want to be around for it. Everyone's got their price. Not every soldier's a fanatic. Some are just trying to feed their families. Just remember to put the guns away before you approach them. मुझे ये लगता है कि ये बता सकता है जाके ये गद्दारी कर सकता है, उनको जाके बता सकता है वो फट गया है, के पास के बारूद था वो फट गया, मैंने उसको यहीं पे मार दिया, कोई पता नहीं है, जाके वहाँ बता दे क्योंकि ये वहीं पे चौकी की तरफ जा रहा है और ये है भी दुश्मन, इसको यहीं पे मार देते हैं। वैसे भी हमें पता चल चुका है कि हमें क्या करना है। Use your scout enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool for the right job, Doc. टावर के ऊपर नजर रखनी है, एक्स दबा के हमें वहां से फोन से इसको जो है वहां पे डाटा पहुंचाना है कि वर्क बेंच यहाँ पे मौजूद है। और भी लूट यहाँ से मिल रही है, स्क्रैप है पूरा, इससे हम चीज़ें बना सकते हैं। कि यहाँ से देखते हैं हमें कोई अगर अपग्रेड करनी होगी तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से लगाई हुई हैं गन्स के ऊपर, ये दूसरी गन के ऊपर भी लगाई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। और हम यहाँ से कुछ बाय नहीं कर सकते अभी, ठीक है। अब हम अपना यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से हमें निकालनी है अपनी स्मार्टफोन। Alvarez has the key to the armory. Careful, Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. तो यहाँ से हमें इन सोल्जर्स की जो है लोकेशन देखनी है, वहाँ पे कुछ है नीचे, ये हमने दे दी लोकेशन। अब अंदर भी कुछ सोल्जर्स हैं खड़े हुए, उनकी लोकेशन देनी है ताकि उस हिसाब से हम फिर हमला कर सकें इनके ऊपर। ये उन्होंने कोई जेल या कुछ है इसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, एक कब्ज़ा छुड़ाना है। एक यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है और ये दो तीन यहाँ पे, ये जो येलो वाले हैं इनका आर्मर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, These soldiers have been issued with body armor and helmets. Nothing armor-piercing rounds can't handle. Use the workbench if you need to craft some, and then go snatch that uranium, Danny. ये भी तस्वीर ले सकते हैं।
एक्शन देखो एक्शन। इसके पास भी ये बैंगुलर्स वगैरह हैं और ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, HD कैमरा। हमें इस फट्टे के ऊपर बैठे हुए हैं। That parachute I gave you could come in handy here. Just don't drop into the middle of the fort, okay? अब I have to infiltrate fort. तो यहाँ से हमें जाके उन आर्मी वालों को मारना पड़ेगा। हमारे साथ हमारा पेट भी आ रहा है। हेल्थ चली गई है, रिकवर होने का वेट करना पड़ेगा। कोई स्कोप शोप नहीं है अभी फिलहाल। और वाले बंदे को तो ये मगरमच्छ अकेला ही मार लेगा। वाले। 50 बंदे हैं। मुझे लगा यहाँ पे कोई बंदा है। तो ये वाली फोर्ट तो क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे जो रेड रेड निशान आ रहा था, नाइस बॉय। इसका सोने का दांत है एक। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा सकते हैं। उधर ऊपर बंदे हैं वहाँ पे। इस वाले बंदे का सॉफ्ट टारगेट राउंड, ये सॉफ्ट टारगेट है तो इसको कैसे मार सकते हैं? इधर बंदा भेज देते हैं। ये जो हमारे पास पेट है, आधे बंदे तो हमारा ये पेट मार देगा। मैं चलता हूँ यहाँ नीचे से, यहाँ से तैर के। म्यूजिक तेज हो गया, शायद उन्होंने देख लिया मुझे। यहाँ पे नीचे तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे याद है, यहाँ पे इसके अंदर गन होती है एक, तो यहाँ से हम जाके उठा सकते हैं। पिस्टल है, एक पिस्टल मिला है। Didn't deserve to be locked up down here. Things have gone to shit since I said no. Nothing. बंदे आ चुके हैं शायद। गोली चली थी यहाँ से। बाकी बंदे आ रहे हैं।
वो नीचे यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये आ चुका है बंदा। हेडशॉट। एक गन के आगे से ये जो मजल है ये भी वो होती है, और वो भी हो चुका है, डाउन हो चुके हैं। ये बंदा यहाँ पे पता नहीं क्यों अटका हुआ है। ये गन वैसे बहुत ही फिट मिल गई है हमें। ये बंदा यहाँ से आ रहा है, ऊपर वाले छत के ऊपर है, यहाँ से मुझे उसको रिवाइव देने के लिए जाना पड़ेगा। शायद हमने वो फार्मूला ले लिया है जो हमें चाहिए था। एक बंदा अभी यहाँ पे ऊपर है। अलार्म बजा दिया, अब और भी बंदे यहाँ पे आ जाएंगे भागते हुए। ऊपर से कोई तो मार रहा है, बॉम्ब चोम भी नहीं है मेरे पास। और हेडशॉट। यहाँ पे ये लास्ट बंदा इस तरफ बचा है, रेड रेड डॉट नज़र आ रहा है, छत पे खड़ा हुआ है। तो मैं रिवाइव दे देता हूँ। रिवाइव दे दिया मैंने, बस यहाँ पे एक लास्ट बंदा बचा है उस छत के ऊपर। उस बंदे को मारने के बाद आई थिंक ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। की दिस शुड गेट मी हॉन्स यूरेनियम। ये लास्ट बंदा मर चुका है। अब हमें यहाँ से एक क्लियर हो चुकी है पूरी चौकी। यहाँ से सिर्फ हमें अब यूरेनियम का कुछ वो लेना है। यहाँ पे आके हम यहाँ से भी इनके ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन ये मुझे पहले नहीं पता था। यहाँ से आके ये वाली वेपन्स भी इनके ऊपर यूज़ हो सकते। और ये इसने मुझे डरा दिया, ये अपना ये पेट है। यहाँ पे यहाँ से नीचे से कुछ चीज़ें उठानी है। दरवाजे तोड़ते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ कहीं नीचे ही है वो चीज़ जो हमें चाहिए। इस वाले कमरे के अंदर है।
पर ये वाली चीज है, the uranium. ये वाला बॉक्स ले लिया हमने. You didn't fucking tell me I was stealing uranium. It was supposed to be a surprise. हाँ, इसने मैं नहीं बताया था पहले. What if this shit kills me? It's depleted uranium, Danny. Stop being such a pussy. ये वाला बॉक्स भी ले लेते हैं. इसमें भी कुछ स्पेशल चीज, कोई तो स्पेशल चीज मिली है. स्नाइपर मिली है यहाँ से, बहुत अच्छी स्नाइपर है. और ये पिस्टल मिला है. अभी तीन चीज़ें तो हमारे पास हो चुकी हैं. यहाँ पे अगर कोई वर्क बेंच हो तो उसके ऊपर से मैं इनको थोड़ा सा अपग्रेड कर लूँ. अब हमें आगे की तरफ जाना है. तो यहाँ से देखते हैं, हम ऊपर से कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तरफ से. ये कैनन, ये चलती नहीं है लेकिन बहुत अच्छी कैनन है ये भी. के ब्लॉक्ड एट, कुछ तो ब्लॉक किया. वहाँ पे वापस जाना है हमें. मैप के अंदर देख लेते हैं. चलिए, ये जो हमारी चौकी है, हमें बस अभी वापस उसके ऊपर जाना है और उसे ये वाला यूरेनियम देना है. यहाँ पे हमने कहीं पे घोड़ा छोड़ा था, घोड़े के पास वापस चलते हैं. फिर उस पर बैठ के यहाँ से जंप किया तो शायद ये मर जाएगा. नहीं, कुछ नहीं हुआ. काफी हेल्थ चली गई है लेकिन कोई नहीं, रिकवर हो जाएगी खुद ही. यहाँ से रास्ता है वापस जाने का. ये भी उनकी चौकी लग रही है. पीछे से यहाँ से होके चलते हैं. यहाँ पे हम शिकार भी कर सकते हैं चीजों का, टाइम मिला तो वो भी करेंगे. वहाँ पे उस टावर के पास है. यहाँ पर भी एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें से हमें बूट मिले हैं. कलेक्शन के अंदर भी कुछ चीजें दिखा रहा है यहाँ पे. ये गई, ये सारे वेपन, ये सारी चीजें हमने कलेक्ट कर ली हैं, वो नजर आ रही हैं. यहाँ पे ये वाला पेट है, और भी कई किस्म के पेट हैं, वो भी हमें कलेक्ट कर सकते हैं इस गेम के अंदर. अभी दूसरा मिशन था ये वाला, तो इस वाले पेड़ के ऊपर ये कुछ तो यहाँ पे सीक्रेट चीजें रखी हुई हैं. ये मुझे पहली बार मिली है ये वाली सीक्रेट चीजें. पर एक और बॉक्स है. Strong out there. Trust your instincts. ये पता नहीं कौन है.
ये कोई रैंडम बंदे यहाँ से होके जा रहे हैं, तो इनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ से ऊपर चलते हैं। एक कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह ये भी कर सकते हैं इसमें, ये ऐसे। Danny, you got the uranium? See. Still want to know what he's going to do with it. If I know Juan, you're about to get a fucked up surprise. See you. ये कोई घोड़ा नहीं था, यहाँ से हम घोड़े को कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं कोई घोड़ा है हमारे पास कि नहीं। एक ये तो है, हाँ तो अर्धबाद ये हमारा घोड़ा आ चुका है। ये भी फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। नाइस हॉर्स। इसी ये बहुत ही तेज घोड़ा है। यहाँ पे भी एक बॉक्स ये रह जाता, इसके अंदर भी कुछ है, कुछ चीजें मिली हैं। Vamos. Easy. या फिर इस तरफ से रास्ता है, पहाड़ ही पहाड़ है, कोई सड़क कोई रास्ता है ही नहीं इसके अंदर। Go. Whoa now. अच्छा था तो वो चौकी क्लियर कर लेता, लेकिन फिलहाल हमारा मिशन नहीं है। Vamos. हम किसी के बगीचे में घुस गए थे। वो आर्मी वाले किसी को मार रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से जा सकता हूँ, बहुत ही ताकतवर घोड़ा है, लोहे को तोड़ दिया। जा रहा और इस तरफ भी मिशन होगा हमारा थोड़ी देर में। फिलहाल इसी आइलैंड के ऊपर ही मिशन जा रहे हैं। कि मैं मैप के अंदर देखता हूँ कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। बस पांच पास पहुंच गया हूँ।
Whoa now. पीछे से आवाज आ रही है गाड़ी की, इस तरफ से आ रही है। गाड़ियां यहां पे चल भी नहीं सकती, फिर भी लोग गाड़ियां यहां पे चला रहे हैं। ऐसे वो दो बंदे यहां पे मुश्किल में, मुझे लगता है उनकी मुझे जान बचानी चाहिए। वो दो बंदे पता नहीं यहाँ से गायब हो गए। Shit. Better be careful. चलो हमने उन दोनों की जान बचा ली, अभी यहाँ से चलते हैं वापस। That's a good horse. Run! Go! Whoa! शायद हमें यहाँ कहीं से जाना था पीछे से, थोड़े से आगे आगे। दूसरे गैंग का बंदा था इसलिए उसको मार दिया मैंने। यहाँ से पास है अभी, शॉर्टकट है, तो यहाँ से मैं वापस जा सकता हूँ। चलते हैं यहाँ से। वापस आते आते बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। यहाँ से ग्रैपलिंग हुक फेंक के ऊपर जाना पड़ेगा। लारा क्राफ्ट की तरह। और ये हम अपनी चौकी के अंदर शॉर्टकट लेके आ चुके हैं। ये मिशन यहीं पे हो गया कंप्लीट। ओह ये वन। This is Resolver, Danny. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay. इसके बाद वो हेलमेट नहीं है वेल्डिंग वाला, तो आंखों के आगे वो शीशा सा लगा के वेल्डिंग कर रहा है। सुप्रीमो। इसने कोई उस यूरेनियम लेके सुप्रीमो कुछ चीज बना दी। Looks like a rocket launcher. See, she does that too. One more thing. I want you to meet Tostador. The two go together like fire and fury. I like how you resolve, Juan. So do I. अच्छा, इसने फायर मारने वाला कोई वेपन सा हमारे लिए बना दिया। काफी काम का बंदा है। Hey, stay strong out there. Okay. Remos are like a good lover or a great sandwich. Are you just hungry, Juan? और इसका नाम इसने रखा है सुप्रीमो। I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you. Yeah. Supremos aren't just simple tools of destruction. Let's take a look at that Supremo. The special ingredient that makes this all happen. Pick a gadget, Danny. This is a safe space. There's no wrong answer here. Chain में से हम collect कर सकते, इनको इसके साथ connect कर सकते हैं। ये क्या है? Perception, grenade, dynamite, कुछ भी हम इनके साथ
स्मोक ग्रेनेड, ग्रेनेड वगैरह और नाइफ्स वगैरह के ऊपर फेंक सकते हैं, और ये क्या स्मोक ग्रेनेड। Now go talk to Clara. Time to give that Supremo a workout. और बाकी हमारे पास जो वेपन हैं उनके साथ भी कुछ कर लेते हैं। एक और गन मिली थी, ये कुछ स्नाइपर मिली थी, ये आगे भी हम लगा सकते हैं कुछ। कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, वो चीज़ें अनलॉक नहीं हुई हैं। ये वाला है सुप्रेमो, इसका डैमेज भी अच्छा खासा है। डैमेज थोड़ा सा कम लग रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी और एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी और डैमेज दो चीज़ें चाहिए। और इस साइड गन, ये पुराना पिस्टल है हमारे पास, और ये वाला नया पिस्टल, इसका डैमेज और वेलोसिटी मुझे ज़्यादा लग रही। ये वाले अपने हाथ में ले लिया। ऑपरेशन कंप्लीट। नाउ गो टॉक टू क्लारा, टाइम टू पुट दैट सुप्रेमो टू यूज गेरिया। ओपन द क्यू, होल्ड वेपन वी लॉक के, ये तो मुझे पहले से पता है। थ्रो द इक्विप्ड गैजेट, you really think we get through that blockade? A lot of us. Yeah, but do you? What do I look like, a fucking Triada priest? I can't predict the future, but history is on our side. A history book never stopped a bullet. Aaj ke khane mein hai ye gajar aur ye chawal hain, ye bhi saaf kiye hue hain, pakenge, aur ye kuch shakarkandi aloo ki tarah kuch pada hua hai. I gave it. और फिर ये यहाँ पे चावल हैं, कैंची लटकी हुई है, कप, सब खाने पीने की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, सब है माल हमारे पास। और कैलेंडर लगा हुआ है, अभी अक्टूबर का महीना है, मतलब कि सर्दी है, सर्दी में हम कैंपिंग कर रहे हैं। और केले भी हैं, थूम लटका हुआ है, और ये गाजरें वगैरह, ये पहले नज़र नहीं आई मुझे लेकिन अभी हैं यहाँ पे। और ये पौधा जिसको वो दौलत का पौधा कहते हैं वो है लगा हुआ है। आग लगी हुई है यहाँ पे, यहीं से अगला एपिसोड शुरू करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले एपिसोड में हम जाएंगे, और ये देखो ये क्या कर रहा है, अगले एपिसोड में हम जाके आग लगाएंगे। Got nothing to say to you. ओके, मुझे कुछ बोलने के लिए इसके पास है ही नहीं। ओके, यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड बाय।